अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ पीएसएल 2023 के 8वें एडिशन के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। तो भाइयों तैयार हो, बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले से पहले बयानबाजी जो हो रही है ना, वो लाजवाब है। बाबर आजम अपनी जगह पर ठीक, मोहम्मद आमिर अपनी जगह पर ठीक, इमाद वसीम अपनी जगह पर तीर चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मैच से पहले ये हालत है, जब मैच शुरू होगा, क्राउड जो सपोर्ट करेगा दोनों टीमों को, कराची के नेशनल स्टेडियम में आज मेला सजेगा शाम 7 बजे, तो फिर उस वक्त क्या जुनूनी सूरत हाल होगी। तो जी हाँ दोस्तों, पेशावर जलमी और कराची किंग की एक बड़ी राइवलरी आज से स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले लाहौर कलंदर और कराची किंग के दरमियान जो राइवलरी होती थी वो तो लाजवाब है और रहेगी, लेकिन अब पेशावर जलमी और कराची किंग के दरमियान भी राइवलरी किसी से कम नहीं होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर ने जो स्टेटमेंट दी है। मोहम्मद आमिर से जब पूछा गया कि जी 2023 के लिए आपने जो टीम सेलेक्ट की है, इस टीम से कुछ बड़े प्लेयर जो है वो इधर उधर हुई है, क्या आपको कोई फर्क पड़ता है? मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहा कि हो सकता है कि जिस तरह के प्लेयर हमारी टीम से बाहर गए, हम दो तीन प्लेयर ऐसे और भी अगर बाहर निकाल दे सिर्फ शुएब मलिक की खातिर, तो फिर भी गुजारा चल जाता है, यानी कि कम नहीं होगी हमारी टीम। तो सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम चले गए ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाबर आजम जैसे हम तीन प्लेयर भी बाहर करके शुएब मलिक को टीम में ला सकते हैं। ये मोहम्मद आमिर की एक तरफ स्टेटमेंट हो गई। अब आते हैं बाबर आजम की तरफ। बाबर आजम का कहना है कि भाई मेरी कराची किंग के प्लेयरों के साथ कोई भी बुराई नहीं है, 6 साल तक मैं 7 साल तक यानी कि 6 साल मैंने रिप्रेजेंट किया कराची किंग की टीम को, तो मेरी किसी भी प्लेयर के साथ कोई जाति अनानिया कि जी मैं कहूंगा कि भाई मेरी इमाद के साथ नहीं बनती है या आमिर के साथ नहीं बनती, उनका कहना है कि कोई नहीं है, लेकिन मैच की यह है कि मैच एक राइवल के तौर पर, राइवलरी के तौर पर देखा जा रहा है, और मुझे लगता है कि मैच तगड़ा होगा और आपको एक अलग ही जो पैशन नजर आएगा। तो ये बाबर भी मान रहे हैं इस बात को। अब आते हैं इमाद वसीम की तरफ। इमाद वसीम ने तो कहा था कि भाई यानी कि मुंह चढ़कर ही कह दिया था कि बाबर आजम एक सेल्फिश प्लेयर है, और सेल्फिश प्लेयर जो अपने लिए खेलता है उसकी हमारी टीम में कोई जगह नहीं है, हम वो प्लेयर लाएंगे जो मैच विनर हो, गेम चेंज करने वाला प्लेयर हो। क्या बाबर आजम मैच विनर नहीं था? अगर आपको याद हो 2020 का जो यानी कि पीएसएल का टाइटल कराची ने जीता, उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बाबर आजम थे, मैन ऑफ द मैच बाबर आजम थे। तो ये बातें कराची किंग को भूलनी नहीं चाहिए, बरन सब कुछ आपके सामने है। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब।